नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों उम्मीद है कि पिछली जो दोनों वीडियो थे हमारे, पहला जो वीडियो था हमारा वो सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित था और दूसरा वैदिक काल पर आधारित था। और उसी कड़ी में मैं आगे अपना जो आज का वीडियो लेकर आया हूं वो है जैन धर्म। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारतीय इतिहास का जो प्रारंभिक काल था वो लगभग जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही आरंभ माना जाता है उसका। उसके बाद आपका वैदिक काल आता है। वैदिक काल के बाद कई सारे ऐसे धर्मों का उदय होता है जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जैन धर्म। बात की जाए अगर जैन धर्म की तो जैन शब्द संस्कृत के हैं। संस्कृत के शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? जिन से। किससे मिलकर बना है? जिन से मिलकर बना हुआ है। जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो हैं ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शांड। इनके बारे में बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं प्राप्त है, केवल यही जो छोटी मोटी जानकारियां हैं। दूसरे तीर्थकर हैं अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तेईसवें तीर्थकर हैं पाषाणनाथ, इनके बारे में कुछ तथ्य प्राप्त हैं, जैसे कि ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र हैं और पाषाणनाथ ने ही चतुर आयामी शिक्षा का ज्ञान दिया था। अब चतुर आयामी शिक्षा क्या है? वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य का अर्थ है सदा सत्य बोलें, अहिंसा का अर्थ है हिंसा न करें, अस्तेय चोरी न करें, अपरिग्रह संपत्ति को इकट्ठा न करें। दोस्तों इसी कड़ी में जो हमारे 24वें और अंतिम तीर्थकर हैं वो हैं महावीर प्रसाद स्वामी जी। इनका बचपन का नाम आप सभी जानते होंगे कि इनको बचपन में वर्धमान नाम से पुकारा जाता था। इनका जन्म 540 बीसी यानी कि 540 ईसा पूर्व में कहां हुआ था? कुंड ग्राम नामक स्थान पर हुआ था, जो कि कहां है? वैशाली में है। इनका मृत्यु कहां हुआ? 468 बीसी में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्र क्षत्रिय संघ के क्या थे? प्रमुख थे। इनकी माता त्रिशला देवी थी। ये वैशाली के लिच्छवी नरेश चेटक की क्या थी? बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ये कुंडिन्य गोत्र की क्या थी? कन्या। इनकी पुत्री का नाम अड़ोज्या, जिन्हें हम प्रियदर्शना भी कहते हैं। इनके पति का नाम क्या था? जमाली, यानी कि महावीर प्रसाद स्वामी जी के दामाद का नाम क्या है? जमाली। इनके बड़ा भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़ा। दोस्तों 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के अनुमति लेने के पश्चात महावीर प्रसाद स्वामी क्या करते हैं कि वो ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से गृह त्याग करते हैं 30 वर्ष की अवस्था में। यानी आप देखें तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, तो ये 510 ईसा पूर्व में ये इन्होंने गृह त्याग किया। इनको ज्ञान प्राप्ति कहां हुई? जृंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। दोस्तों ये जो तीन नाम है ना, इसको आप जरूर से याद कर लेना। जृंबिका ग्राम के समीप, ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष, ये आपको तीनों याद करना है। जृंबिका ग्राम, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष। लगातार 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इनको क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति होता है। यानी कि 510 ईसा पूर्व में इन्होंने गृह त्याग किया और उसके 12 वर्ष के पश्चात, यानी कि क्योंकि ईसा पूर्व हमारा उल्टा चलता है, तो ये हो जाएगा आपका 498 बीसी में इनको क्या प्राप्त होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्हें केवलीन, अरहत, जीन, निर्गंध आदि नामों से पुकारा गया। इन्होंने चतुर आयामी शिक्षा में किसको जोड़ा? ब्रह्मचर्य। जो चतुर आयामी शिक्षा थे आपके, ये है ना सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह,
उसी में इन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया, वो था ब्रह्मचर्य। दोस्तों यूं तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर माने जाते हैं, परंतु जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं वो महावीर स्वामी को ही माना जाता है। महावीर स्वामी जी का जो विश्वास था, इनका पुनर्जन्म में बिल्कुल विश्वास था, और अनिश्वरवाद में इनका विश्वास था, कर्मवाद आत्मा में भी इनका विश्वास था। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं इन्होंने प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, अर्धमागधी क्या थी, लिपि थी, प्रथम अनुयायी इनके दमाद ही थे, जमाली। और इन्होंने अगर पूछ दे कि प्रथम उपदेश इन्होंने किस स्थान पर दिया, तो आप लिखना राजगीर। कहां दिया? राजगीर। त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीनों भी आप याद रख लीजिएगा। अब बात आती है जैन धर्म के विभाजन की। तो दोस्तों लगभग 300 ईसा पूर्व, 300 बीसी की बात है, मगध साम्राज्य में भीषण अकाल पड़ जाता है। उस अकाल के दौरान क्या होता है कि जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु मैं लिख देता हूं, भद्रबाहु, ये अपने कुछ अनुयायियों को, मतलब जैन धर्म के कुछ अनुयायियों को अपने साथ लेकर विपरीत परिस्थितियों में कर्नाटक की ओर चल देते हैं, परंतु स्थूल भद्र एक नाम है, स्थूल भद्र इनको मानना पड़ेगा दोस्तों। ये विपरीत परिस्थिति में भी कुछ अनुयायियों को लेकर मगध में ही रहे, भीषण अकाल रहा वहां पे, लेकिन उसके बावजूद भी ये मगध छोड़कर नहीं गए। तो इस तरीके से जब भद्रबाहु कुछ समय के पश्चात, जब अकाल जब खत्म हो जाता है, कुछ समय के पश्चात जब ये कर्नाटक से वापस आते हैं, तो इन दोनों लोगों में क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। और तभी क्या होता है कि जैन धर्म हमारा दो भागों में बढ़ जाता है, पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जिसके की प्रमुख कौन थे? स्थूल भद्र। और दिगंबर जिसके प्रमुख? भद्रबाहु थे। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ये क्या धारण करते थे? श्वेत वस्त्र। और दिगंबर ये क्या रहते थे? ये नंगे रहते थे, यानी कि नी वस्त्र रहते थे ये। अब दोस्तों आगे आता है जैन धर्म मानने वाले कुछ प्रमुख शासक का नाम यहां पे लिखा हुआ है, आप इनको भी देख लें। उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों उदयन ये बुद्ध, जब आप बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म को भी मानने वाले प्रमुख शासक देखेंगे तो ये उदयन नाम वहां भी आएगा। उदयन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट शासक अमोदवर्ष और चंदेल शासक। अब बात करते हैं जैन सभा की। मुख्य रूप से दो जैन सभाएं हुई हैं, इसकी तिथि तो नहीं ज्ञात है, परंतु प्रथम सभा जो था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके किसकी अध्यक्षता में? स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन था? स्थूल भद्र थे। द्वितीय सभा जो हुआ था वो वल्लभी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रमण। कौन थे? क्षमा श्रमण, क्षमा श्रमण। तो दोस्तों ये रहा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ाऊंगा, पर हाँ जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और यकीन मानिए ये सारे के सारे पॉइंट्स किसी न किसी पेपर में आए हैं। आप उठा के देख लेना कोई भी पेपर, आप यूपी पुलिस के ही पिछला पेपर आप उठा के देख लेना, आपको ये इनमें से अगर जैन धर्म से प्रश्न आए हैं तो आपको इन्हीं में से मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा वीडियो उन बच्चों के पास पहुंचे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, वहां की महंगी महंगी फीस को देने में सक्षम नहीं है। तो दोस्तों मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन बच्चों की मदद करना चाहता हूं। और आप सभी जानते हैं कि मैं खुद एक यूपी पुलिस कांस्टेबल हूं, बहुत मुश्किल से मैं अपनी ड्यूटी से समय निकालकर आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आता हूं। और यकीन मानिए मैं आपका पूरा इतिहास, पूरा जियोग्राफी, पूरा एक एक सब सारा सब्जेक्ट मैं आपका क्लियर करूंगा। बस आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और मेरा साथ दे, आपका साथ
हमारा साथ सबका विकास। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।